जय श्री राधे हरि बोल। तो अभी बज रहा है सुबह की 8 और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमारा YouTube पे 100K फैमिली हो गई है और इस खुशी में हमने कल सेलिब्रेशन भी किया था, छोटा सा केक कटिंग किया था, आप लोगों को धन्यवाद भी किया था मैंने। तो हम सोच रहे थे कि आज लाला के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के बेचारे बोर हो गए होंगे। तो अभी मैंने ये डिश तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, बट मुझे लगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ क्योंकि अगर आप लोग बनाना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं चुकंदर, तो आपको पता होगा ना, बीटरूट, मैं उसकी पूड़ी बनाऊँगी और लाला के लिए आलू की सूखी भांजी बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है, मैंने भी कहीं देखा था, उसे ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा बन जाए तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। तो हमने चुकंदर को बारीक काट के ऐसे उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया था, ऐसे ग्राइंड कर लिया था, सॉरी। अब हम बाकी आगे देखते हैं क्या करना है इसके साथ। तो हमने ये बाउल में लिया है आटा नॉर्मल सा, और ज़्यादा सूजी नहीं डालनी है, थोड़ी सी नॉर्मली सूजी होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये चुकंदर का जूस, अगर ये अच्छा बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान जाने। सारी चीज़ें तो ये हो गई है, अब हम इसके अंदर एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे, मसाले वगैरह। तो पहले हम स्वाद अनुसार नमक, जैसा आप खाते हैं, फिर अगर तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्ची डाल दीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल। तो मेरी मिर्ची ज़्यादा तीखी है तो मैं नॉर्मल ही डालूँगी। और ये ऐसे अजवाइन क्रश करके, अजवाइन का टेस्ट भी अच्छा होता है, पचाने में काम आ जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा टेस्ट के लिए गरम मसाला, बस ये हो गया। थोड़ा सा तेल डालेंगे और पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। हल्का सा हमने तेल डाला है, आपके घर में जो भी तेल हो, जो तेल आप खाते हो वो आप डाल सकते हैं। अब पानी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से आटे की तरह गूंथ लिया है। अगर आपको गीला पसंद है तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, अगर टाइट पसंद है तो आप आटा या सूजी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गीला रखा है ताकि पूरी थोड़ी सी सॉफ्ट बने। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमने सूजी डाली है तो सूजी को 10-15 मिनट लगता है फूलने के लिए। तो हम इसको रहने देते हैं, तब तक हम लाला को स्नान कराते हैं। हरी बोल। अब फटाफट बाकी की चीज़ें करते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तामझाम है, तो थोड़ा सा लेट भी हो गया है। हमने सब्जी के लिए भी सारी चीज़ें निकाल रही है, टमाटर, मिर्ची और आलू। हम आलू की सब्जी बनाएंगे। अब इसके अंदर हमने मेथी, जीरा और राई और थोड़ा सा हींग डाला है। मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हींग डाइजेस्ट करने के लिए। कढ़ी पत्ता डाल दिया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, आप एक बार ट्राई करना, बहुत लोग बनाते होंगे तुमको तो पता ही होगा। अब फटाफट हम टमाटर और हरी मिर्च है वो डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा नमक के साथ, क्योंकि टमाटर को पकने में टाइम लगता है और टमाटर आलू पकाएंगे तो और भी टाइम लग जाता है। तो हम पहले टमाटर को अच्छे से पका लेंगे सारे मसाले वगैरह डाल के इसके अंदर। हमने लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, ये तीन चीज़ें ही डाली है। और हल्का सा पानी के साथ हम इसको पका लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने ऑलरेडी गरम मसाला पूरी में डाला था। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, मसाले आप अपने हिसाब से डालो। मैंने थोड़े से गरम मसाले इसलिए डाले थे क्योंकि बीटरूट थोड़ा सा मीठा था तो अलग टेस्ट थोड़ा सा आ जाए, इसी वजह से ज़्यादा मीठा ना लगे। तो चलिए हम फटाफट तेल की मदद से इसको बेल लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला रखा है मैंने इसे, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट बनती है ना पूड़ी, अगर गीली रहती है तो सॉफ्ट बनती है, अगर थोड़ा टाइट रहेगा ना तो पूड़ी जो है ना वो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा। अब हम आलू इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको पका लेते हैं, और ये कम से कम 10 मिनट के अंदर ये पूरे तरीके से पक गया है। नमक हमने ऊपर से थोड़ा सा ऐड किया था। पूड़ी के साथ मैं दही बार बार खिलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सोचती हूँ कुछ अलग तरीके से खिला दूँ आज लाला को। फिर हमने दूसरी कढ़ाई में छोटी सी तेल गरम कर दिया है अच्छे तरीके से, हमने छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल ली है। और यस, फाइनली ये फूल गई। मैं इतने ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कितना चीज़ें क्या लेनी है, कैसे आटा कितना लेना है, कितना सूजी लेना है। बस लाला को दिमाग में रख के फटाफट मैंने बना लिया, और देखो इत्तेफाक से सारी पूड़ियाँ देखो फूल रही हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। कलर में आपको डिफरेंस आने लगेगा ना, जब तब आप समझिएगा कि आपकी पूड़ी पक गई है। थोड़ा सा कलर डिफरेंस आपको दिखने लगेगा तब समझ जाना कि आपकी पूड़ी पक गई है। और देखिए हमने, देखिए ये पलटा हमने, देखिए पूड़ी का कलर चेंज हो गया था, तो मतलब पूड़ी हमारी अच्छे तरीके से पक गई। फिर हमें उसे
निकाल लेना है। मैं जब भी कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना, मैं लाला को पहले रख के बनाती हूँ। लाला देखो आप ही बनाना, मेरे से तो होने से रहा। और ये देखिए लाला का बाल भोग तैयार कर दिया है हमने, आलू भी बहुत सुंदर है, पूड़ियाँ भी अच्छे तरीके से फूली हुई हैं। तो चलिए हम लाला के पास लेके चलते हैं, क्योंकि हमने इनसे पूछ लिया था, इन्होंने कल हमें बता दिया था कि इन्हें यही खाना है। तो हम लगे ठीक है, 100 के सेलिब्रेशन है तो ऑफकोर्स इनकी मर्ज़ी से सब कुछ बनेगा। इसको ठंडा करके फिर हम फटाफट लाला को भोग लगाते हैं, देखते हैं कि इन्हें ये कैसा लगता है। उनकी खुशी देख रहे हैं आप। जय श्री राधे। तो हमने बाबू को भोग लगा दिया था, अब हम खाते देखते ये कैसा टेस्ट है। बाबू को तो बहुत अच्छा लगा, वो पेट भर के खाए। हम टेस्ट करते हैं क्योंकि मैंने पहली बार बनाया है। मस्त है, मस्त है। अब ये बनेगा, जब बाबू को मन करेगा तब हम वापस ऐसे बनाएंगे। हरि बोल। कुरमुरा है पका, एकदम परफेक्ट है। जय श्री राधे।